हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर एक घर के बाहर कई राउंड गोलियां चले तो कोई गोली की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाएगा। लेकिन हरियाणा की बुजुर्ग दादी ने ऐसा जज्बा दिखाया जिसे देख लोग दंग रह गए। दादी न सिर्फ बाहर निकली बल्कि लठ लेकर गोली चला रहे बदमाशों को मारने भी दौड़ पड़ी। दादी का लठ देखकर बदमाशों के हौसले टूट गए और बुजुर्ग महिला को लाठी लेकर आते देख हाथ में बंदूक लिए बदमाश कांप उठे। इसके बाद वो फौरन बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। यह पूरा मामला हरियाणा के भिवानी जिले का है, जहां आपसी रंजिश के चलते रवि बॉक्सन के हत्या आरोपी हरिकिशन हरिया पर गोलियां चला दी। इस मामले में हरिया को 3 गोलियां लगी है, उसकी हालत गंभीर है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सभी लोग बुजुर्ग महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर सचिन भिवानी और रवि बॉक्सर दोनों जिगरी यार हुआ करते थे। साल 2022 में रवि बॉक्सर का कत्ल हो गया। हरिकिशन उर्फ हरिया रवि की हत्या का आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर आया था। तब से सचिन रवि का बदला लेने की फिराक में लगा था। बताया जा रहा है कि तोसाम बाईपास की डावर कॉलोनी चारा मंडी में हरिया अपने मकान के पास सुबह टहल रहा था। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार 4 से 5 बदमाश हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और हरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हरिया भाग के घर के अंदर घुस गया। इस दौरान पड़ोस की बुजुर्ग महिला लठ लेकर बदमाशों की तरफ दौड़ पड़ी, जिसके बाद बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। वहीं इस हमले में हरिया को 3 गोलियां लग गई, जिसके बाद हरिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के बाहर से गोलियों के खोल बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि हरिया पर ये दूसरी दफा हत्या की कोशिश हुई है। पहली कोशिश पुलिस की सतर्कता से नाकाम हो गई थी, इसमें पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा था। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर सचिन के कहने हरिया को मारने की बात का खुलासा किया था। सचिन भिवानी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने के चलते जेल में बंद है, और जेल के अंदर बंद होने के बाद भी सचिन हरिया की हत्या की साजिश लगातार रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भिवानी, यूनिज़ूपी।